नमस्कार दोस्तों, जो आज रात की वीडियो होने वाली है ना, इस वीडियो से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज काफ़ी डरा हुआ हूँ। मतलब काफ़ी आज मैं डराया गया हूँ, डर सा लग रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो तो करना बनता है, एटलीस्ट बता तो दें कि चल क्या रहा है। जब आज सो करके उठा तो मेरे पास एक वीडियो आई थी, किसी फ्रेंड ने भेजा था, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि जब उठता हूँ उसके बाद बिज़नेस के कॉल्स बहुत आते हैं, पहले मैं उस पर ध्यान देता हूँ। फिर देखा कि और भी दोस्तों के मैसेजेज आए, कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके भी इंस्टा पे मैसेजेज आए, सर ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, इसको जवाब दो, इसको जवाब दो। मैंने कहा क्या है भाई, फिर जाकर मैंने देखा वो वीडियो। एक जनाब है जो कि आज सो कॉल्ड इंडिया के सबसे बड़े खतरनाक हॉरर ब्लॉगर बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम कहीं भी नहीं लिया वीडियो में, तो मैं भी उनका नाम नहीं लूंगा। ये तो मैं इनका नाम, जो जिन्होंने वीडियो बनाया है, मैं इनका यूट्यूब चैनल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं इनको गुरुजी बोलूंगा, ये गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने एक कोई और चैनल बनाया होगा, उन्होंने अपने उस चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसपे लगा कि हाँ टारगेट किया जा रहा है मुझे ही। शायद वैसा कॉम्बिनेशन कहीं और भी नहीं है, ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में है, जो जो मैं जानता हूँ। तो लगा कि होल एंड सोल वो मुझे ही टारगेट कर रहे हैं बिना नाम लिए। तो चलिए मैं भी गुरुजी का ना नाम लूँगा, ना गुरुजी के चैनल का के बारे में कुछ ज़्यादा बात करूँगा मैं, कि मतलब उनकी आइडेंटिटी मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊँगा, बाकी आपने डिटेक्ट करना, आप कर लेना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं देखिए उनके जो क्वेश्चंस है वीडियो में, उसका पार्ट बाय पार्ट आंसर देता जाऊँगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मैं देता जाऊँगा। उनका एक कटाक्ष था, कटाक्ष का मतलब होता है टॉन्ट, मेरे ऊपर किया गया था शायद। आपको शर्म आती है, आप अपने मरे हुए दोस्त से कांटेक्ट करते हो, उनकी फैमिली में क्या बीती होगी? गुड क्वेश्चन। जब मैंने पहला वीडियो किया था अपने बेस्ट फ्रेंड गौरव तिवारी जिनकी डेथ हो गई, उसके ऊपर पैरा वीडियो जिसपे शायद 3.5 मिलियन कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, तो मैंने पूछा था उनके डैड से कि क्या अंकल ऐसा ऐसा है, उसको पब्लिश करूँ? उन्होंने बोला हाँ कर दो। फिर उन्होंने पूछा भी कि बेटा क्या बात हुई। अब देखिए जीटी गौरव तिवारी भाई के डैड से मैं टच में रहता हूँ, वीडियोस तो मेरे देखते होंगे, छुप नहीं सकता, वो चाहते तो उनको प्रॉब्लम होती। लेकिन भाई साहब आप पता नहीं आप क्यों दुखी हो गए अपने एंड से कि उनकी फैमिली पे क्या बीतती होगी। अचानक से आपको पता नहीं कहाँ से प्यार उमड़ आया, और अगर आपको इतना प्यार उमड़ता है तो ज़रा ये भी देख लीजिएगा कि गौरव तिवारी जी की थीम क्या थी। अगर आपको इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है उनके लिए तो ठीक है, दे दिया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, हॉन्टेड लोकेशन पे ही, हाँ उनका क्वेश्चन था, उनका मतलब कटाक्ष था ये भी कि उन्होंने केटोमीटर दिखाया कि ये हॉन्टेड लोकेशन पे ही काम करता है, घरों पे नहीं काम करता है। भाई आपने कहाँ से पैरा की पढ़ाई की है, आपने क्या पैरा कोर्स किया है, आप एक बार पब्लिक को भी बता दीजिए, ठीक है। आपके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस है जो आप इंग्लिश में लिखते हो, उसको देख करके थोड़ा कुछ अलग सा मैसेज जाता है लोगों के माइंड में, आप उसको भी एक दिन आकर के क्लियर कर दीजिए। आप इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए कि आपको लगता है कि वो किसी आउटडोर या हॉन्टेड लोकेशन पे ही, आप किसको हॉन्टेड कहना चाह रहे हैं? आपके घर के बाहर जो खेत है, मतलब ये जो आपका खेत है, आप उसको हॉन्टेड कहना चाह रहे हैं? अगर ऐसा होता तो US में मेटीविले है, इंग्लैंड में इतने सारे फोर्ट्स हैं, इंडिया के अंदर इतने इतने हॉन्टेड बिल्डिंग्स हैं जो बंद भी हैं जो खुले भी हैं, तो ये सब होता ही नहीं ना। आप तो तभी मैं आपको आज गुरुजी कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के गुरुजी है, आप इतना कुछ जान गए, आप लूँगा आपसे विद्या में। यहाँ तो विक्टिम कार्ड खेल गए ना अपने डैड के बारे बात करके कि आपके डैड, मेरे डैड की भी डेथ काफ़ी पहले हो चुकी है, आज नहीं बहुत साल पहले हो चुकी है, विक्टिम कार्ड मत खेलिए।
गुरु जी, आप फिर आपका एक और कटाक्ष था, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा। घर पे इसलिए बैठा हुआ हूँ, एक तो लॉकडाउन है, दूसरी चीज बिजनेस है मेरा। ये आपकी गलती है, आपने शायद अपने घर पे टीवी नहीं लगाया होगा कि 2012 से लेकर के 2016, 17, 18 तक लोगों ने मुझे टीवी पे देखा है। ऐसे ऐसे लोकेशंस जहाँ आप शायद जा ना पाओ, आप अभी तक किराड़ू नहीं गए हो, बाड़मेर। गुरुजी, मैं उस दिन आपको मान लूँगा, आपके चरण छू लूँगा जिस दिन आप मुकेश मिल जाके आ जाओ। IPS इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करके आ चुकी है, लाइव पूरी वीडियो है यूट्यूब पे उसकी जी के साथ, वहाँ जाके आ जाइएगा। और देखिए, आपके हिसाब से जो हॉन्टेड लोकेशन होता है ना, थोड़ा सा बोलता हूँ गुरुजी, मैं सेंट्रल दिल्ली में हूँ, ठीक है। सेंट्रल दिल्ली में जितना बड़ा आपका वॉशरूम है ना, उतना बड़ा वॉशरूम जैसा भी जो रूम होता है ना, उसका रेंट कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये होता है सेंट्रल दिल्ली में। अब यहाँ से मैं निकलूँगा ना, कहीं भी कोई सुनसान इलाका मुझे नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं। अब उसको मैं कैसे भूतिया बता दूँ, हर जगह लाइट 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 है। आप गांव के अच्छे निवासी हैं, आप प्योर हैं, आपका घर है, आपके चारों तरफ खेत है, या आप जहाँ जहाँ वीडियोस करते हैं, आपको तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है ना। आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं कि कई 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 डिस्ट्रिक्ट्स, मैं बता दूंगा, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किशनगढ़ है, जोधपुर है, जैसलमेर है, भीलवाड़ा है, बाड़मेर है, बहुत घूमे हैं गुरुजी। आपका जो स्टेट है, बहुत घूमे हैं, रोड से ही घूमे हैं। वहाँ पे क्या, 2-2 किलोमीटर के बाद कभी कभी एक घर दिखता है। अब वो क्या घर है, अबैंडनड है, ठीक है भाई, जाओ 2-4-5 लोग को ले जाओ, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, हॉन्टेड एक पूरा स्क्रिप्ट बना के हॉन्टेड बना दो उसको, अच्छी खासी वीडियो, मतलब कैमरा स्किल भी होना चाहिए। हाँ गुरुजी, आपका कैमरामैन बहुत बढ़िया है, तारीफ करूँगा इस बात की। मेरा ये कहने का मतलब था, आपने मुझे देखा नहीं टीवीज़ पे, आपने मुझे आज तक पे नहीं देखा, जी पे नहीं देखा, बहुत सारे चैनल्स हैं, क्या बोलूँगा, आपने नहीं देखा, वो आपकी दिक्कत है, बट यूट्यूब में होगा कहीं ना कहीं। जब मैंने इतना समय ख़राब किया है ना, देखिए मैं बेकार हूँ, मैंने आज समय ख़राब किया अपना आपके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने के लिए, और काफ़ी कुछ रिसर्च किया, आगे आगे देखते जाइएगा, तो थोड़ा आप भी मेरे ऊपर कर लीजिएगा गुरुजी। आपने बोला आत्मा वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता, हाँ कर सकती है आत्मा। 14 साल 15 साल के बच्चों को वो जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, जिसमें हम गांव में, या गांव में क्या, मैं तो दिल्ली में भी उसमें दही जमाता हूँ, उसमें कुछ इनफ्लेमेबल लिक्विड वगैरह डाल के, कपड़े डाल के आग लगा दो और बच्चे को दे दो, और 50 मीटर दूर से वीडियो शूट कर लो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और बता दो ये बच्चा है। मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा आपकी वीडियो में बहुत जल्दी, डिलीट मत कीजिएगा वीडियो। वो आत्मा था ना आपका, वो बच्चा, बच्चे को रिस्क में डालते हो आप, यूट्यूब पे काम करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को रिस्क में डाल रहे हो आप, गांव के भोले भाले बच्चों को आप रिस्क में डाल रहे हो क्या गुरुजी? आप भी ना, आपका फिर एक और कटाक्ष, घर पे आत्मा नहीं आती है भाई, खेतों में आती है। जो आपके घर के आसपास खेत हैं 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर के, और खेत है तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं, किसी पेड़ को भूतिया बता दो, किसी को चुड़ैल वाला बता दो, किसी को एक आँख वाला दाना वाला बता दो, किसी को कुछ बता दो, कंटेंट तो भाई आपको मिलते रहेंगे। आज से मैंने सीखा है कि हाँ, आत्मा घर पे नहीं आती है, खेतों में आती होगी, है ना। सातवां कटाक्ष, दूसरों के नाम पे बने हो। हाँ, दूसरों के नाम पे बना हूँ। देखो आज ना आपके इस बात पे मैं बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा हूँ, पार कर चुका हूँ। पैरानॉर्मल में मेरा नाम है गौरव तिवारी के कारण, और ये मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने टेड पे भी बोला है, मैंने कई न्यूज़ चैनल पे बोला है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा इंटरव्यू उस पर बोला है, संडे गार्डियन में बोला है, इंडियन एक्सप्रेस में बोला है, टेड पे भी बोला है। देखो आप गुरुजी, आप ना हर वीडियो में दिखाते हो टाइम क्या हो रहा है, गूगल टाइम, कभी कभी ये सब चीज़ भी गूगल कर लिया करो, थोड़ा आपको भी तो पता लगे टेड क्या है, पता तो थोड़ा रखना चाहिए ना।
ऐसे कैसे चलेगा? अब छोटे छोटे बच्चों को ही अगर आप वो सारी वो तोता मैना की कहानी, चलो हाँ कोई नहीं। आपने एक बात और कही कि इंडिया के सबसे बड़े अपने आप को साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर समझने वाले, तो गुरुजी उसने कभी अपने मुंह से कभी कहा कि वो इंडिया का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या साइंटिस्ट है? अगर ऐसी कोई भी वीडियो फुटेज है तो आप दिखा दीजिएगा गुरुजी, आपके लिए यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ होगी। वो बंदा अपना यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर देगा। हाँ, उसको किसने कहा है? उसको टेड टॉक ने कहा है, उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है, न्यूज़ चैनल्स ने कहा है, जी हिंदुस्तान ने कहा है, न्यूज़ 18 इंडिया ने कहा है, संडे गार्डियन ने, बहुत ऐसे हैं कि हाँ इंडियाज़ लीडिंग, इवन छोड़िए वाइस मीडिया कनाडा ने कहा है कि इंडियाज़ लीडिंग। उसने कहाँ कहा, ये तो वो कह रहे हैं। आप क्यों नहीं उनको ट्रोल कर देते, उनके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, उनको एक्सपोज कर दीजिए आप। क्या गुरु जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। गौरव तिवारी का नाम उनके डेथ के बाद ले लेके मैंने वीडियो बनाई, तो आज इस मकाम पर आ गया हूँ कि उनके ऊपर किताब लिखी जा रही है, वेब सीरीज भी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं हारा नहीं गुरु जी। मैं नाम नहीं लेता ना, तो आप जैसे जैसे आज 1,000 यूट्यूबर होते और इंडिया को फिर से ढकेल देते 50-60 साल पहले। थ्रेट इसलिए लगता है ना कि आज के छोटे छोटे बच्चे, 18 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे पैरा इन्वेस्टिगेशन रियल वाला कर रहे हैं और आपको थ्रेट लग रहा है। वो कमेंट करते हैं मेरा डर खत्म हो गया। तो अब ये सोचिए ना कि किसकी दुकान को दिक्कत है। अपनी दुकान के बारे तो मैं आपको बताऊंगा, आपको बताऊंगा बहुत जल्दी अपनी दुकान के बारे में, कुछ मिनट वेट कीजिएगा आप। आपने एक बात कही कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाता है, उससे बात करता है, घर पे आत्मा नहीं आ सकती। चलिए, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके खेतों में ही आत्मा आएगी हमेशा। गुरु जी, इतना तो थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए था उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, कि उस पर लिखा क्या है। अंग्रेजी में लिखा था, देखिए बुरा मत मानिएगा, ट्रांसलेशन है गूगल में अवेलेबल है, उसको ना पूरा कॉपी कीजिएगा, पेस्ट मारिएगा गूगल ट्रांसलेटर में, वो समझ में आ जाएगा। उसने कभी, यवकार राज ने कभी कहा ही नहीं कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की थी। उसने एक मेथड का नाम लिया था चैनलिंग। अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा, वो खामा खाना आपके वीडियो वीडियो बनेंगे नहीं, इसको पढ़ने में और समझने में वो दिक्कत हो जाएगी आपको, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये आपके लिए नहीं था। ये गुरुजी, आपने एक और बात बोली, काम धंधा नहीं है। अरे गुरुजी, पता है वो बंदा जो कंपनी चलाता है ना, किसी दिन आपकी वीडियो में ऐड आ जाएगी उसकी कंपनी की। देखिए क्लिक होगा तो आपको भी फायदा होगा, आपको भी पैसे मिलेंगे, डेफिनेटली उसको भी मिलेगा, उसके पास हो सकता है कोई लीड आ जाए बिजनेस। क्या आप मतलब घर से बैठे बैठे कर लेते हो कि काम धंधा नहीं है किसी के पास? ठीक है, आप जो बच्चों बच्चों को बेवकूफ़ बना के यूट्यूबर बना रहे हो, गाली गलौज उनसे करवा रहे हो, उस पे आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के नाम पे आपने कहा था बना है, भाई ये तो आपने यूट्यूब पे देखा ना कि दूसरे के नाम पे बना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पैरा में मैं बना ही हूँ गौरव तिवारी के कारण, और मेरे चैनल को अगर थोड़ा हाईलाइट अगर मिला है, अपने से बोल रहा हूँ, पिछले साल वो सुशांत सिंह राजपूत भाई के कारण, मैं तो मान रहा हूँ यार। देखो तो बेशर्मी की हदें पार कर गई, मैंने बोल दिया खुद से। अब थोड़ा कुछ बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, जाइएगा मत। आपने बोला ना आपका पॉजिटिव माइंड है, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, सुनिएगा क्या आता है। दोस्तों, अभी आपने एक ऑडियो तो सुना ही होगा, उसमें काफी गाली गलौज था। अमूमन ये सब देखिए होता रहता है सोशल मीडिया में, लेकिन जब ये किसी एक बड़े रिनोन पर्सनालिटी के एंड से आए ना ऐसी बातें, तो थोड़ा एक बार सोचना पड़ता है कि आप फॉलो किसको करते हो। अब इसके पीछे पूरी कहानी बताता हूँ मैं। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है, उसने जैसा मुझे बताया कि उसके बच्चे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कुछ लग रहा है।
क्योंकि आज सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है और वो क्या करते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन थोड़ा मज़े भी ले लेते हैं। अब उसके लिए क्या है, यूट्यूब है, फ्री है, फ्री कंटेंट है, देख लेते हैं। अब उस बच्चे का ध्यान चला गया भूत प्रेत ये सब, अब वहाँ पे इस गुरु जी का चैनल उसने दबा कर देखा उस बच्चे ने। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो बच्चा आफ्टर ए कोर्स ऑफ टाइम उसने अपने अंदर एक डर डेवलप कर लिया कि उसको घर पे लगता था कि आग लगने वाली है, उसको लगता था कुछ सामान गिरने वाला है। तो उसकी माँ काफ़ी परेशान, उसकी माँ मतलब वो जो हमारी फ्रेंड ही है काफ़ी परेशान, उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने बोला आप इन्वेस्टिगेट करो ना क्या है नहीं है। तो पहले तो उनको यही सब बात लगी कि पढ़ाई का बोझ है, डिप्रेस्ड है। मैंने कहा आप किसी पैरासाइकोलॉजी या किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, ऑनलाइन आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो उन्होंने किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था, उड़ीसा की हैं वो। फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि आपका बेटा इतने दिनों में उसका पूरा एक्टिविटी लॉग देख करके कि कब से सब हो रहा है, इतने दिनों में उसने किया क्या है ये हम जानना चाहते हैं। अब उसकी मॉम ने क्या किया, उसके फ़ोन, अब हिस्ट्री तो निकाल ली पूरे फ़ोन से वो कर क्या रहा है, गुरुजी का चैनल दबा करके देखा था। अब उसने बच्चे ने एडमिट कर दिया कि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे डर लगता है, ये सब रियल है, ये है मम्मी, ये यूट्यूब में है, यूट्यूब में है, यूट्यूब मतलब एकदम जेन्युइन। अब जिसका 11 साल का 12 साल का बच्चा है, देखिए उसको तो थोड़ा बुरा लगेगा ही अगर उसके बच्चे के साथ ये सब होगा। तो उसने क्या किया, लेडी ने खुंदक में यूट्यूब पे गुरुजी के चैनल पे उल्टे सीधे कमेंट किए, बहुत सारे कमेंट डिलीट करा दिया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उसको फ्लैग्ड में डाला, बट वो अकेली क्या कर लेती है, दो चार लोग को बोला था उसमें क्या हो जाता, जब इतने व्यूज़ आते हैं उनके चैनल में कुछ नहीं हुआ। फिर भी वो लग गई, ज़िद्दी हैं। एक बंदा है किसी को ओपनली गाली दे रहा था, मतलब गुरुजी को किसी यूट्यूबर ने जो कि कहता है ये सब फेक है तुम जो दिखा रहे हो, गुरुजी को बोला फेक है। तो गुरुजी ने क्या किया कि अपने बंदों को बोला ये सब करने के लिए। पहले मुझे ये सब लगा कि हो सकता है उनका बंदा हो सकता है फ़ैन हो, कभी फ़ैन भी होते हैं बड़े पागल फ़ैन होते हैं यार, कुछ भी कर जाते हैं। अगर कोई किसी को अपना गुरु मानता है या अपना इंस्पिरेशन मानता है उसके लिए कुछ भी कर जाता है। मैंने बोला उनको लेडी को कि देखिए छोड़िए ना, ये फ़ैन वैन है, ये वीडियो बनाते गाली की, बोलती कि हाउ कुड बी सच पर्सन सो डम, ओपनली किसी को गाली दे रहा है कि अगर कोई उसके मिथ को बस्ट कर रहा है तो उसको गाली दे रहा है ओपनली, और ऐसी गंदी गंदी गाली दे रहा है, थ्रेट कर रहा है कि तुम आओ यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा छोड़िए आप इस सब पे ध्यान मत दीजिए, आप पेरेंटल लॉक लगा दीजिए अपने फ़ोन पे, तब बच्चे को दीजिएगा। बट फिर भी देखिए क्या होता है ना, कुछ लेडीज़ बड़ी ज़िद्दी होती हैं, कुछ लड़कियाँ, कुछ लेडी बहुत ज़िद्दी होती हैं। उन्होंने छोड़ा नहीं, पूरा ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद एक वीडियो लिंक मुझे भेजा, मैंने देखा उस वीडियो को, वो वीडियो की लिंक पूरी मेरे पास है, उसमें बेहुदा गाली गलौज है, बेहुदा गाली गलौज है। मैं भी यही सोचा कि यार भाई गुरुजी के तो इतने तगड़े तगड़े फॉलो, इतने ख़तरनाक गाली देते हैं, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में होना नहीं चाहिए। बस उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया, काफ़ी सारे यूट्यूबर को उन्होंने अप्रोच किया था कि कुछ कीजिए कुछ कीजिए, किसी का उतना रिप्लाई मेरे पास आया, दोस्त है मेरी, मैंने कहा देखिए मैं इनकी वीडियो अपने चैनल पे तो नहीं डाल सकता, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, चैनल ठीक ही ठाक चल रहा है, मैंने कहा मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ। उन्होंने वो एग्री हो गई, ठीक है, मैंने डाल दिया कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, जो उन्होंने बोला था मैंने वही लिख दिया कि वो एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि हाँ 100% प्रूफ है कि ये चैनल इसके पास, उनके कहने पर डाला था, मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें थी नहीं कि क्रिमिनल को हायर करके रखे हुए हैं। अरे 6-7 व्यू के बाद अब वो लेडी यूट्यूबर भी नहीं, उसने जस्ट अपनी गूगल अकाउंट में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, 6-7 घंटे के बाद वो वीडियो डिलीट हो गई। अब मेरे सब्सक्राइबर कहने लगे सर आपने कम्युनिटी पोस्ट डाला, वीडियो आ ही नहीं रहा। देखा मैंने, मुझे लगा हो सकता है भाई डिलीट कर दिया उस बंदे ने, उसको लगा होगा कि वो गाली गलौज कर रहा है, गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, अगर यूट्यूबर बनना है तो गुंडा क्यों बनना, और गुंडा बनना है तो फिर यूट्यूबर क्यों बनना। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट आज जो ये वीडियो आई है ना, दोबारा मैंने उस लेडी को अप्रोच किया था, मैंने बोला कि वो वीडियो पड़ी है आपके पास, उन्होंने कहा हाँ डाउनलोडेड है, फिर उन्होंने लिंक भी भेजा कि बोला नहीं वो चैनल स्टिल एक्टिव है, मैंने कहा यहाँ से डिलीट हो गया।
फिर वो कहती है सर मैंने अपने चैनल से इसको अपलोड किया था और मेरे पास जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है ना वो किसी ऐसे चैनल से आया है जिसका नाम आज काफ़ी लोग जानते हैं। तो गुरु जी छोटा सा झटका दूंगा आपको मैं, छोटा सा झटका ये है कि उस लेडी के पास ये YouTube का मेल आता है, वीडियो टाइटल, अब इसमें पूरे चैनल का नाम मतलब पूरी वीडियो की टाइटल थी, तब कोई वीडियो URL जो उस चैनल का URL था, टेकन डाउन इश्यूज बाई, अब बाई के बाद जो चैनल का नाम है ना गुरुजी मैं बोलूँगा ना, इतना मैं बता रहा हूँ कि 60-70 हज़ार या 1 लाख सब्सक्राइबर आपके ज़रूर हट जाएंगे, और प्रूफ के साथ बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया, प्रूफ के साथ। अब तो अपने पास लीगल प्रूफ है कि आप गुंडागर्दी कराते हो उनके लिए जो आपकी बात को मानते नहीं हैं। आपको क्या लगता है यूट्यूब ने कॉपीराइट दे दिया आप किसी से भी ऐसे? भाई मुझे तो ये लगा था आपका कोई हार्डकोर फैन है, छोड़ो यार इग्नोर करो, मेरे लिए भी लोग गाली गलौज करते हैं, सबके लिए, सचिन के लिए, पता नहीं किसके किसके लिए, कोई किसी का फैन उसके लिए लोग गाली गलौज करता है, बट ये आप कर रहे हो, आप कर रहे हो और किसी बंदे को सामने ला रहे हो, चैनल का नाम भी बड़ा अजीब सा रखा हुआ है कि ये पब्लिक को ना पता लगे गुरुजी की आपका चैनल है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के नाम से आया है, प्रूफ है। अब ये बताइए इसके बाद आगे क्या करना है, बताइएगा आप। आप तो कह रहे थे ना बहुत, आपको देखो धमाका करने का बहुत शौक़ है, आप कह रहे थे धमाकेदार वीडियो, धमाका आपको करने का बहुत शौक़ है। देखो साफ सी बात है, आपको आग लगाने का शौक़ है, मुझे आग बुझाने का शौक़ है। अगर कभी मुलाकात होगी, ऐसे होगी तो कभी नहीं, हम ऐसा नहीं मिलते हैं किसी से। और गुरु जी सुनिए, आपने इतनी बातें बोल दी, पैसे के लिए ये करता है वो करता है ऐसा करता है, मैंने सारी बातें बता दी। आपके स्टेट में राजस्थान विधानसभा में विधायक MLAs डर रहे थे, 2018 का न्यूज़ है ये। उस वीडियो का भी जो मेरे सब्सक्राइबर है, मैं वीडियो का लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, और एक नहीं कितने सारे MLAs डरे हुए थे कि अब हमें सेशन में, और भाई विधानसभा में जाओगे नहीं तो स्टेट कैसे चलेगा। 4 MLAs के जो उनके बंदे थे, उनके चेले थे, जो भी थे उनके, उन लोगों का थैंक्स मैसेज आया था मेरे पास, जी न्यूज़ राजस्थान ने ये किया था, और ये राजस्थान के जितने भी MLAs हैं विधानसभा में उनके लिए मेरा मैसेज था, समझे गुरु जी। लोकेशन 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 बहुत करते हो ना, लोकेशन लोकेशन, खेत वाला लोकेशन और ये वाला लोकेशन, हम इन चक्करों में नहीं रहते हैं। एक बात आपने और बोली कि दोस्त के मरने के बाद उसकी आत्मा को बुला के दिखा के पैसे कमा रहे हो। भाई मेरा दोस्त है वो, और उसके घर वालों को दिक्कत नहीं, आपको क्यों दिक्कत है, और कितने पैसे कमाए हैं नहीं कमाए ये भी कभी पब्लिक कर दूंगा उस वीडियो से, कभी पब्लिक कर दूंगा बड़े जल्दी कर दूंगा मैं, नाम नहीं लेता उसका तो लोग भूल ही जाते ना, नाम लूँ तो उसके नाम पे कमा रहा हूँ, नाम ना लूँ तो गौरव को भुला दिया है क्या गुरुजी। देखो मुझे इस तरह से आप विक्टिम नहीं बना सकते, ये जो बंदा है ना बहुत खेला खाया बंदा है, बहुत ही खेला खाया है, ठीक है आप बहुत मेहनत करते हो, समझ रहा हूँ आप काफ़ी मेहनत करते हो, काफ़ी दिमाग लगाते हो, पूरे दिन लिखते होगे पहले स्क्रिप्ट कि करना क्या है कांड करना क्या है, मैं बहुत खेला खाया हूँ लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। जंतर मंतर वाली बात तो बता ही दिया था भाई कि मेरे अगेंस्ट जब धरना चल रहा था तब भी मैं कूल था, बच्चों टीनेजर के साथ क्रिकेट खेल रहा था। गुरु जी एक बात बोलूँगा, दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस, इसके पहले की जो वीडियो थी उसको मजाक थी, मजाक में लीजिएगा, हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आपके कुछ वीडियोज़ देख करके ना गर्मी में ना मैं कंबल लेकर के सोता हूँ, इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ, तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी मैंने कुछ गलत बोला हो तो। और जितने धमाकेदार वीडियो बनाने बनाइए, बस स्क्रीनशॉट याद रखिएगा।